क्वेश्चन 22 का ए पार्ट देखिए, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, जहां पर कि ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमें एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री चेक करना है कि ये आपका डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो हम एल एच डी आर एच डी निकालेंगे, इक्वल आए तो डिफरेंशिएबल, नहीं आए तो नॉट डिफरेंशिएबल। और आप समझ लें कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है। अगर आप इसमें 3.6 रखोगे तो 3.6 3 और 4 इंटीजर्स के बीच में है, तो यहाँ छोटा इंटीजर है 3 यानी 3 आ जाएगा। 2.5 रखोगे तो 2 आ जाएगा, यानी इसका नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वैल्यू हमेशा छोटी लेता है ये। तो अब हम निकालते हैं एल एच डी, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री माइनस, और यहां पे आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए यानी एफ ऑफ माइनस थ्री, एंड यहां पे आ जाएगा एक्स माइनस ए, ए क्या है हमारे पास माइनस थ्री। तो यहां पे आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री माइनस, ओके माइनस थ्री पर ही चेक करना है। तो यहां पे आ गया एक्स माइनस थ्री माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां तो एक्स रहेगा और यहां पे माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री। अब हम एक्स को पुट करेंगे माइनस थ्री माइनस एच एज एच टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस थ्री माइनस एच। और यहां पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई इंटीजर आता है तो वही वैल्यू हमें मिलती है, यानी ये प्लस का ही थ्री हो जाएगा। ये हो गया माइनस थ्री माइनस एच, ये प्लस का थ्री, ये कैंसिल हो गया। अब आप समझो ये जीरो है, यहाँ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस थ्री में से हम कुछ कम कर रहे हैं, तो माइनस थ्री में से कुछ कम करेंगे यानी वैल्यू कम होगी, यानी यहाँ पर इस तरफ आएगा। अब माइनस थ्री में से हम कुछ कम कर रहे हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, उससे छोटी वैल्यू मिलेगी। अब उससे छोटी वैल्यू है माइनस का फोर, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास माइनस का फोर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस का फोर प्लस थ्री अपॉन माइनस एच, यानी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस वन अपॉन माइनस एच, और ये हो जाएगा वन अपॉन जीरो यानी कि नॉट डिफाइंड। तो जो एल एच डी है वो तो आपका डिफाइंड ही नहीं है। आर एच डी को हम देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री पॉजिटिव, एफ एक्स यानी माइनस थ्री माइनस एफ ए यानी एफ ऑफ माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस ऑफ माइनस ए इज एक्स प्लस थ्री। यहां पर अब आप पुट करोगे माइनस थ्री प्लस एच एज एच टेंड्स टू जीरो, तो यहां तो हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां माइनस थ्री प्लस एच, और यहां माइनस का थ्री ही है तो ये प्लस का थ्री हो जाएगा अपॉन यहां पे माइनस थ्री प्लस एच प्लस थ्री, ये कैंसिल हो गया। अब आप समझें कि माइनस थ्री प्लस एच यानी माइनस थ्री यहां पर माइनस फोर यहां पर, माइनस थ्री प्लस यानी उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो उससे बड़ी वैल्यू यानी यहां पे आ जाएगी कोई वैल्यू यहां से होगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप रखोगे तो छोटी वैल्यू वो लेता है, माइनस टू बड़ा है तो यहां पर माइनस का थ्री ही आ जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री अपॉन एच यानी जीरो आ गया। आप बोलेंगे एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट
एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। इनफैक्ट किसी भी इंटीजर पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। कल वाले सेट में हमने डिस्कस किया था इस पूरे फंक्शन को कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आपके पास आ जाए उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। माइनस थ्री भी एक इंटीजर है, दैट्स वाई इस पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा।